not elephant dung, not any other dung except the cow dung. This is the region. तो ये सोचते हैं उधर हम किसान भाइयों या VAA के जो इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज है लाइक यू पता लगाए कि वातावरण से कितना भोजन मिलता है, फसल जो है वातावरण से कितना भोजन लेती है और भूमि से कितना. अगर आप उसको एनालिसिस करें, सर ने बताया जैसे कि इकोनॉमिक्स है, सब लोग जानते हैं कितना लेती है और आपको कितने की जरूरत है. हम बिना जाने सोचे सॉयल हेल्थ कार्ड शायद इसीलिए लेके आए थे. उसका पर्पज यही था कि आपको पता चले कि सॉयल में जिस चीज की डिफिशियंसी है उसी को डालना चाहिए. इसलिए 12 पैरामीटर रखे थे उसमें. उसमें माइक्रोबियल नहीं रखा था तो सर हम लोगों ने ऐड करवाने की कोशिश की. आईसीआर के साथ बड़ी फाइटिंग होती थी वहां मिनिस्ट्री में क्योंकि दे डू नॉट एक्सेप्ट. ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुनते ही वो सर जैसा कह रहे थे तो उनको जरूरत है क्योंकि सॉयल में जो सिस्टम होता है ना अपटेक का, लेट अस फीड द सॉयल टू फीड द क्रॉप, तो कैलकुलेशन नहीं होता एनपीके का हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल फार्मिंग एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे सर ने बताया कि प्रकृति को पता जानना भी आसान नहीं है. जंगलों में देखिए कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालने जाता है, पीपल का बता रहे थे डॉक्टर. देखिए जैसे जैसे गर्मी होती है वो हरा होता है, तो क्या है वो नेचर. नेचर को अभी जानने की बहुत जरूरत है. इस पर थोड़ा सा था. फिर एक और चीज जो सर मैंने, मुझे बड़ी अच्छी स्लाइड लगती है कि आप पता लगाइए पत्ते जो है वो दिन में बढ़ते और जड़ें रात में बढ़ती हैं. कभी किताबों में कहीं लिखा मिलेगा नहीं आपको. क्यों? देखिए जड़ें रात में क्यों बढ़ती हैं, अब इसलिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं. कुछ एक्टिविटीज होती है माइक्रोब की, कुछ है फोटोसिंथेसिस तो दिन में होता है क्योंकि करें, इसीलिए फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में होता है, स्टोमेटा खुलते हैं और आपका प्रोसेस हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दी पत्ते जो है वो दिन में बढ़ते हैं. जड़ें रात में क्यों बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है. बर्मी कंपोस्टिंग कितने लोग करते हैं, कपाड़िया साहब भी करते हैं. कैसे करते हैं कपाड़िया साहब बर्मी कंपोस्टिंग? लास्ट में जहां बर्मी कंपोस्ट जो अपन लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम कुछ शेड बनाते हैं, अंधेरा कायम करते हैं, कुछ डाल देते हैं ताकि उसमें अंधकार आ जाए, मतलब उसमें रात जैसी स्थिति बनाते हैं. इसलिए क्योंकि अथवा में नॉक्टर्नल एनिमल रात्रि चर. सिमिलरली लॉट ऑफ माइक्रोब्स प्ले द रोल इन द नाइट. तो राइजोस्पियर में दे प्ले तो इग्निशन करते हैं, ग्लोबुल बनाने का काम करते हैं राइजोबिया के. तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग स्लाइड थी सर, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. बहुत सारी चीजें साइंस की ऐसी हैं जिनको जानने की हमें जरूरत है. इससे बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं. इसी तरह से एक और स्लाइड है सर, जैसे हम लोग आप लोग सब जो जो मिट्टी के डॉक्टर हैं जो एग्रीकल्चर से करके आए हैं उनके लिए हमने ये स्लाइड थोड़ा सा बनाई थी. गांव में जो लोग काम करते हैं उनको पता नहीं चलता कि हमारी मिट्टी बीमार है या स्वस्थ है. उसके लिए स्लाइड है कि आप उस मिट्टी का वजन करिए. आपने देखा होगा इसमें लिखा है मैंने 1 लीटर उपजाऊ मसाला मिट्टी का वजन 400 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. मैंने क्या लिखा मैडम? 400 ग्राम मिट्टी का. मिस्टर टाइगर यू आर बिजी, पूछ रहा हूँ क्या लिखा है मैंने. हाँ ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके गांव में जहाँ भी एक दिक्कत हो सकता है, जैसे जहाँ भी मिल्क मिलेगा, जहाँ भी आप ऑयल देते हैं किसान, वहाँ पर दिक्कत होगा. उसको भर दीजिए जहाँ तक 1 लीटर का निशान, फिर उसका वजन कीजिए. इट इज बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी. तो जब आप उसका वजन करेंगे तो 500-400 से अधिक नहीं होना चाहिए. 500 भी हो जाए तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है. ऐसा केवल बर्मी कंपोस्ट में संभव है. कम हुआ तो बीमार है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू. ज्यादा हुआ तो बीमार है स्वस्थ. आपकी मिट्टी अस्वस्थ है, वो जितना वजन लेगी ना वो उतना अस्वस्थ होगी. उसे माइक्रोब्स नहीं होगा, मतलब भुरभरापन होना चाहिए. उसकी जो आर्मी कार्बन वो बल्क डेंसिटी पर बेस्ड है. ये छोटा सा बनाया था हम लोगों ने बाई दी फार्मर्स कि किसान अपने खेत में कैसे पता करे कि उसकी मिट्टी स्वस्थ है बीमार. सो दिस इज फार्मूला फॉर दैट. फिर एक सर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड मुझे लगती है, आई एम शेयरिंग विद परमिशन. आप सब लोगों ने जो बायोलॉजी एग्रीकल्चर पढ़ा है उसमें खरपतवार की परिभाषाएं पढ़ी. खरपतवार यानी प्रण, क्या बोलते हैं जैसे गाजर घास को क्या बोलते हैं मराठी में? ये सपाटे नियम जैसे एक ही है. अभी मैं इसमें थोड़ी सी आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ सभी को. किसी लोगों की नींद जा रही है कि नहीं मैं देख रहा हूँ कोई लोगों को. हाँ टाइगर जिंदा है. डॉक्टर पटोले आप कहाँ चले गए?
ये मैं आपसे पूछता हूँ कि खरपतवार की परिभाषा, ये डॉक्टर परोले डायरेक्टर ऑफ नीम फाउंडेशन, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, डॉक्टर कैरल साहब को लेके आए, और मैं पूछ रहा हूँ आपको कि क्या लिखा था हमारे उसमें टेक्स्ट बुक में, वीट्स ऑफ द प्लांट्स, क्या है परिभाषा, अनवांटेड प्लांट्स विच आर नॉट सोन, ऑटोमेटिकली दे आर ग्रोइंग, कोई उनको लगाता नहीं, अच्छा देखिए उनमें बीमारी भी नहीं होती, पार्थिनी में बहुत सब बीमारियां लगती हैं, एक आदमी वो जैगोरामा भाई प्लॉट है उसको अटैक करता है, बाकी कोई कीड़ा नहीं खाता उसको, और आपको बता दूं वो उसके इस गुड़ का उपयोग करते हुए हमारे किसानों ने कुछ आइडियाज बनाए, नाइट्रोजन मिलती है उसको बहुत अच्छी, उसको कंपोस्ट करके नाइट्रोजन बना सकते हैं, उसका जूस निकालिए, उसका जूस निकाल के अगर सर उसको हमारे यहाँ एक यहाँ महाराष्ट्र में सर एक बहुत अच्छा एक वो है कोल्हापुर के पास में ग्रुप ने एक LLDB बनाया, उसका नाम दिया उन्होंने LLDB क्या है, लोकल लोकास बायोडाइजेस्टर, उन्होंने क्या किया सर कि वो उसका पार्थेनियम का जूस निकाला एक गदर घास का, और जूस को क्या किया स्प्रे कर दिया पूरे फील्ड में, वो राइस का फील्ड था कुछ शुगर कैन का फील्ड था, तो जितने भी कीड़े इंसेक्ट पेस्ट थे सबको स्मेल किसकी आ रही थी, वो पार्थेनियम की, तो उनको यह महसूस हुआ कि दिस इज दी पार्थेनियम फील्ड, विशुकना कहते हैं कि उनको भ्रम हो गया, वो पूरा का पूरा फील्ड उनका सेव कर गया, उसमें इंसेक्ट ने भी कम अटैक किया और पेस्ट भी कम आए, और मैं आपको बता दूं कि उसकी बहुत अच्छी उत्पादन हुई, तो टेक्नोलॉजीज हैं, आप उसको कंपोस्ट बनाइए तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, तो इसकी परिभाषा हमने खरपतवारों की चेंज करी है डॉक्टर पटोले, खरपतवार वह पौधा है जिसके गुणों की खोज नहीं की गई, अब BIO को मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी आज तक खोज नहीं हुई, लोग उनको खरपतवार की कड़ी में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो वीट था ना गेहूं, वो कपड़िया था वो भी वीट था पहले, सर को पता है हिस्ट्री में वो वीट की वैरायटी, मतलब जब उसको पता चला कि इसकी चपाती बन सकती है बहुत अच्छी, तो वो सीरियल क्रॉप में आ गया, अदरवाइज इतना कौन सो बनाती वैरायटी अब भी WWD, तो इसको मैंने ट्रैक करके थोड़ा एक और जो अमेरिका के दार्शनिक उन्होंने कहा कि खरपतवार इस ट्रैक पर भी काम करने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, तुलसी के बारे में आपको पता है, नीम के बारे में बैठे हुए हैं उनको पता है, तो कितने सारी चीजें मिल सकती हैं, ब्रह्मास्त्र बनता है, नीमास्त्र बनता है, इन सबको प्रयोग करना है बजाय पेस्टिसाइड के और केमिकल के, कम से कम हम ये आज संकल्प ले लें कि हम अपने कुछ खास चीजें जैसे धनिया मिर्ची किचन गार्डनिंग करेंगे और डिकम्पोजर का यूज करके कंपोस्ट बनाएंगे, आप आज की हमारे जो ये फैसिलिटेशन प्रोग्राम है डॉक्टर लोगों का ये सफल हो जाएगा, ये मेरा सबमिशन है आपको, नाउ इट्स अप टू यू, बजाय मार्केट से लेने के कुछ चीजों को हम किचन गार्डन करें, आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, डायबिटीज क्यों होती है क्योंकि अर्थिंग नहीं होती, बहुत सारे लोगों से ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों है बोरान की वजह से है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स जो सोया से मिलते हैं अर्थिंग से मिलते हैं तो वो नहीं मिल रहे हमको, हम हमेशा जूते और खर्च पे चलते रहते हैं, ये सब रीजन है, तो ये मैंने स्लाइड इसलिए की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे, फिर आपने जो नीमास्त्र के बारे में पहले शायद बताया था और मैं इसको काफी कर दूंगा, नीम के द्वारा बनाए गए अस्त्र है, क्या करना है 5 किलो नीम लीव ले लीजिए बाड़ी में, 5 लीटर काउल ले लीजिए, काउल से बाहर कोई खाद नहीं है, सबको मैं सर के सामने बोल रहा हूँ, 2-3 डिग्निटीज है इनके सामने बोलना बड़ी बात है, काउल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वंडरफुल फर्टिलाइजर ऑफ द वर्ल्ड, उससे इसीलिए गौमूत्र का पतंजलि भी उपयोग कर रही है, आप सब लोग खरीद रहे हैं उसका आर्क लेके हैं, और हम सब लोग पीते हैं, क्या वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जाते हैं जो रिप्लेस करते हैं आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, सो दिस इज द पैथोजेनिक एक आपकी एक थेरेपी है ये, तो इनका यूज करना है यूजफुल अगेंस्ट द सर्टेन पेस्ट एंड द मिनी बग्स, इसी तरह से ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में, थोड़ा कुछ फार्मर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने आईडी किट बनाए थे, इसमें 3 kg नीम लीव्स 10 लीटर काउ यूरिन 2 kg कस्टर्ड एप्पल लीफ एंड 2 kg पपाया लीफ 2 kg पोमेग्रेनेट यानी आपके अंडाड़े बोलते हैं वो और 2 kg गोवा अमरूद लीव्स इन ए वॉटर एंड मिक्स द टू एंड बॉइल 5 times सम इंटरवल से इट बिकम्स हाफ जब तक आधा ना हो जाए तो गर्म कर दीजिए और सिंपल टेक्नोलॉजी है इसके बाद क्या करेंगे 24 hours रख दीजिए देन उसको किसी कपड़े से फिल्टर कर लीजिए एंड देन डायल्यूट करेंगे 2.5 liter of this extract to 100 liter of water and then you can spray. क्या करेंगे? It is very useful against the setting pest and food and throat borers. मैं इसी तरह से चाहता हूँ कि इस तरह से खेती करना चाहिए. अब करके देखते हैं.
ब्रह्मास्त्र जो है कैसे बनाना है। सर मैं अभी जब वहाँ फिलीपींस गया था तो ये प्रेजेंटेशन मैंने सर वहाँ दिया था, आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर, लेकिन तो हमने जब इस तरह के अस्त्र बताए तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट बोले कि सर इंडिया के सब लोग इसी तरह के अस्त्र बना रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं है, उनका डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ ही है। मैंने कहा अदरवाइज जो है तो ब्रह्मास्त्र भी ऐसे बना सकते हैं, आई विल कॉपी टू यू। इसी तरह से अग्नियास्त्र, अग्नियास्त्र में चिली का उपयोग किया जाता है, चिली यानी मिर्ची, जो महाराष्ट्र के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको लीजिए चिली 1 kg, आइपोल बेसरम, ये लीव है 500 ग्राम, हॉट चिली 500 ग्राम, गार्लिक एंड 5 kg नीम लीव इन 10 लीटर क्राउविन। क्राउविन को हमने बेस बनाया। सुधा ताई भी इस काम को कर रही है, आप इनके लिए बस ताली बजाई प्लीज। सुधा ताई इज वेरी सर, इन्होंने यहाँ आने का काम बहुत अच्छा शुरू किया है, कभी विजिट करवाएंगे। अग्निस्त्र हो गया, अग्निस्त्र तो हो गया, ये हो गया 1 kg आइटोमियन विक्रम, जिसको विक्रम बोलते हैं, क्यों कहते हैं विक्रम, हाँ ऐसी बहुत सारी नहीं बस है ना। तो 500 ग्राम हॉट चिली, 500 ग्राम गार्लिक एंड 5 kg लीव्स इन 10 लीटर ऑफ काउ डंग। इसको करने में क्या दिक्कत है आपके पास? देखिए सर ने CITR के डायरेक्टर होने के बाद में बहुत सलाह शुरू की, क्योंकि एक ऐसी लेडी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, उसने CSE छोड़ दी और उनका बात करता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, एंड सी लेफ्ट एवरीथिंग। और हमारे ऑफिस में हमेशा वहां से निकलती और आती है, वो ट्रैक्टर चलाती है सर, वंडरफुल, उनका आपने सब देखा होगा। तो पूरा जैविक खेती का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ दी उसने, क्योंकि स्वास्थ्य का सवाल है, पैसे का सवाल नहीं, ऐसे तो स्वास्थ्य नहीं खरीदा सकता ये बात। तो बॉयल सस्पेंशन 5 times के लिए बिकम हाफ, फिर इसको आप स्विच करके लीजिए, और फिर 3 to 2 1 to 3 liter एक्सेक्ट डायरेक्टली 200 liter इज यूज फॉर 1 acre ऑफ लैंड। तो ये यूजफुल अगेन लीव रोअर, स्टेम एंड फ्रूट एंड फॉल बोरर्स, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आर्गेनिक फार्मिंग किसी चीज को मारने का काम नहीं करती, वी कंट्रोल। जैसे कि आपने कहा कि केमिकल फार्मिंग क्या होता है, पेस्टिसाइड, यानी साइड जहां गया उसको मारने वाला जहर है वो, पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, और हर्ब्स को मारने वाला हर्बिसाइड। जहां भी साइट है वो किलर है एंड केमिकल है, बहुत डेंजरस है, उसका कलर से पहचान सकते हो, ग्रीन को ले लो, बाकी को मत यूज करो। मैंने अभी जो यहाँ हुआ था यवतमाल में, उससे जो प्रोग्राम हुआ था वो सब के बहुत अच्छा उसमें बनाया हुआ था, कभी आपको देखेंगे। अब आती है बात आपकी डिकम्पोजर की, दिस इज मोस्ट वांटेड, इज इट राइट। इसको कैसे बनाएंगे हम अभी थ्योरी से भी बताएंगे, इसके बाद प्रैक्टिकल भी बता देंगे, और आप इसको बहुत आसानी से कर सकती हैं। ये क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दही कौन कौन घर में बनाते हैं, कुछ लोग तो मार्केट से खरीदते बनाते नहीं, आप नहीं बनाते, बनाते वेरी गुड। कैसे दही बनाते हैं पता, मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा मैं किसी जिसको ज्यादा नींद आ रही तो उससे पूछता हूँ परमिशन। ये कौन टीचर सो रहा था, आपको नींद आ रही थी ना, हाँ आप बताओ दही कैसे बनाती हूँ, जल्दी से बताओ, हाँ आप ही बता दी, चलिए दूध को हल्का सा गर्म रखिए, राइट, यू वार्म, एक दो चम्मच दही डाल के अच्छे से गर्म करिए, आप लोग बोलिए हैं, जिस महिला ने दही बनाना सीख लिया वो ये भी कर सकती है। हम लोग 1 चम्मच डालते हैं, आप 1 चम्मच डालते हैं, कोई लोग 2 चम्मच डालते होंगे। ये हमारे बोतल में जो मटेरियल है वो मात्र 100 ग्राम से भी कम है, लेकिन एक बार बताऊं मैं दूध की क्वांटिटी कितनी भी हो, अगर आप उसमें इनोकुलम अच्छा रहेगा क्वालिटी का तो पूरा का पूरा दही बन जाता है, नहीं तो वो सब कड़वाहट होती है और चिकट चिकट हो जाती है। यानी डॉग भी अपने घर में बनाते हैं। तो ये डिकम्पोजर को बनाने के पहले इसकी बता रहा हूँ मैं कि आप जो है 200 लीटर का ड्रम होता है, बहुत सारे लोगों ने सबने देखा, अभी 200 का नहीं होगा तो 100 का भी होगा, उससे भी कर सकते हैं। अब आप विधि समझ लीजिए इसकी, दही बनाना तो आपको आता है, और दही बनाना तो अच्छी बात है, खिलाना आता है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बनाना आता है तो नहीं, खिलाना आना भी जरूरी है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको मैं बताना चाहता था कि ड्रम भी लीजिए 200 लीटर का,
उसमें 2 केजी जैगरी यानी गुड़ पुराने से पुराना जैगरी इसलिए होता है कि जैगरी प्ले पूरी प्रकार से मीडिया काम करता है न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें और मेरे ख्याल से डॉक्टर पटोले को पता है मैंने हम अराउंड 500 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए इसके ऊपर और हर 5 मिनट में 2-3 कॉल आ जाते हैं बंद करके रखें मोबाइल अभी नहीं तो हम बात नहीं कर सकते थे है? तो ये 2 केजी जैगरी और एक जो बेस डिकम्पोजिशन की जो बॉटल आपको दिखा रहे हैं इसका जो मटेरियल है उसको निकालना है हाथ से नहीं निकालेंगे किसी लकड़ी से निकाल सकते हैं आप उसको पहले गुड़ को डाल दिया 200 लीटर पानी में उसको लकड़ी से मिला दिया तो वो होमोजेनाइज हो जाएगा फिर इसको डाल दीजिए और फिर उसको ढक दीजिए आप देखेंगे कि करीब 10 से 15 दिन में इसमें कुछ पीला पीला सा ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा झांकता दिखाई पड़ेगा झांक देता तो आपको वो दिखा देंगे तो आपको ये इतना उसमें खुशबू भी आती है तो ये माइक्रोब्स होते हैं इसमें तो फंजाई होती है जो साइकोडर्मा की फिर रिसर्च भी फाइंडिंग आ गई है आईसीआर की सराइटर की फाइंडिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये तो मेथोडोलॉजी आपको सर्कुलेट भी की ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग इसी के लिए मुझे बुलाया गया थैंकफुल टू यू थैंकफुल टू बेस्ट डिकम्पोजर आपको सर ठीक है तो आपको बेस्ट डिकम्पोजर हमारे सेंटर से ही मिलेगा इतने सारे लोग जो है अभी आपको मैं बताना चाहूंगा सर गुजरात से नौसारी से 4 लोग अपनी कार से हमारे इंस्टीट्यूट आए कहाँ गोंड के लिए कहाँ है नौसारी बताओ गुजरात में है? और यहाँ आए और आपको मैं आई एम वेरी लोग बोलते हैं कि गुजरात नागपुर के लोग बोलते हैं पटेल साहब की होम डिलीवरी करेंगे क्या जब गुजरात के लोग बाई एंड लेके आते हैं तो ये टेस्ट की बात है आप आइए हमारे ऑफिस में आपको हम जरूर गिफ्ट करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कैसे बनाते हैं पूरी टेक्नोलॉजी से हमने आपको पेपर दिया है और ये आपके पास ऑलरेडी है और ये मैं सब बताना चाह रहा हूँ ये महाराष्ट्र में ये बहुत सारे किसानों ने लगभग 2000 अभी देखिए 72,000 लीटर वाटर टैंक बनाया था डायल्यूशन एंड इरिगेशन इतना बड़ा बड़ा ये बना के ये सब इसमें तैयार कर रहे हैं कितने बड़ा एरिया 72,000 लीटर तो ये इस तरह से 5,000 लीटर टैंक बनाया इनोकुलम फिर इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ पे पूरे खेतों में चैनलाइज कर रहे हैं और कम से कम एक अच्छी बात ये है मैं जो खास बात आज कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम हम कुछ जहर तो नहीं डाल रहे हैं कम से कम हम कुछ अच्छे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को पहुँचा रहे हैं सर मुझे इस बात पर मैं इसलिए जवाब देता रहता हूँ इवन मेरे पास खाना खाते हुए फोन आता है तो मैं जवाब इसलिए देता हूँ कि आप हिंदुस्तान में कैलकुलेट कीजिए कि हर आदमी अच्छा खाना चाहता है तो उगाना कितने लोग चाहते हैं ईमानदारी से बताइए इसी इसमें हाउ मेनी पीपल वांट टू ग्रो कोई एक या दो मुश्किल से 3-4 तो आई वांट टू उनको डेडिकेट कर रहा हूं मैं और उनकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये कम से कम जैविक खेती में जाएं और उनको हम सपोर्ट करें उन किसानों को क्योंकि आज भी देखो अब कोई भी किसान अपने बेटे को कभी किसानी के लिए नहीं बोलता सब्सिडी की बात सर ने जो कही कि सब्सिडी तो बहुत एक प्रकार का मैं अपराध मानता हूं इसे क्राइम ये जो हो रहा है क्राइम कभी किसी किसान को और जो अच्छा किसान है वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा जो है वो ऋण माफ हो जाए उसको फैसिलिटी दे दो उसको पानी की सुविधा दे दो उसको सड़क दे दो उसको सब सुविधाएं दे दो वो आपको लौटाएगा आप किसान के खेत में जान के देखिए मैं भी किसान का ही बेटा हूँ किसान जब अपने खेत में जाता है आप उसके खेत में जाइए वो आपको ऐसे देगा सब ये भी ले जाओ सब ये भी ले जाओ और किसी बनिया की दुकान में जाके देखना 1 ग्राम भी ज्यादा हो जाएगा ना तो चम्मच से निकाल देता दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी इसलिए उसको अन्नदाता कहते हैं तो हम उनको हेल्प करना चाहते हैं इसलिए हमको बहुत खुशी होती है और आपने डिकम्पोजर की बात करी उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ तो हमारे पास रात के भी फोन आते हैं तो हम उनका जवाब इसलिए देते हैं कि वी वांट टू सपोर्ट दी 1-2% फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं उनको जरूरत है आपकी सपोर्ट की तो ऐसा कुछ बने और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की जरूरत है एफपीओस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप वो बनेंगे तो बल्क में करेंगे और जो जिसका आपके पास मार्केट अच्छा हो और ऐसा नहीं कि एक ही चीज ग्रो करना है मैं इसे एक चीज कहूंगा सर वो है ईएफपीओ ईएफपीओ यूरोपियन फार्मर्स राइट सर तो उसकी बहुत जरूरत है उस पर एक दिन का और अगर हम एफपीओस पे कभी करेंगे प्रोग्राम वीआईए इज वेरी आई एम थैंकफुल टू वीआईए फॉर प्रोवाइडिंग दिस बिकॉज सेंटर में इतनी अच्छी लोकेशन में
मेरे ख्याल से सर भी कहेंगे कि हाँ ये लोकेशन वाइज भी बेटर प्लेस है, और तो ये करने की जरूरत है। और एक्सपोर्ट की बात मत करो, पहले हम डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, फॉरेन के लोग हमारे यहाँ करना बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, इसको सोचने की जरूरत है। इसीलिए ई फसल जैसी अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर रविंद्र पासवान पिछली बार जब आए थे, ये कमिश्नर है एमपी के मध्य प्रदेश में, अभी जो हुआ था कुंभ उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उस समय हम लोग पार्टिसिपेट किया था वहाँ। तो ये डिकम्पोजर बहुत काम की चीज है, इसको प्रयोग करिए और किचन में करिए, किचन गार्डनिंग करिए, अपने गमलों में करिए। और बस लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे अच्छी सुन इसको कुछ नहीं समझ पा रहा होगा ना, दिस इज लास्ट राइट फॉर योर स्माइल, थैंक यू फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी क्यूरी इश्यूज, यू आर वेलकम टू रीजनल सेंटर पार्टी फॉर मी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो जो श्री हमारे जो श्रीदेव हैं जिनको हम गुरु कहते हैं वो हमारे बीच में है, और ईश्वर ने मौका दिया मुझे उनके साथ इतना अच्छा आप लोग इंटरेक्शन हो गया, और नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द माइक। अच्छा वो रिपीट हो रहा था वही आने प्रोडक्ट मैंने इसलिए है कि एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग रियली आर्गेनिक करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि पैकेजिंग ब्रांडिंग लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो कॉस्टली अफेयर, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीजीएस लेके आया। पीजीएस का मतलब जानते हैं आप, आपके क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। पीजीएस है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और उसको हमारी एक स्कीम है पीके बाई के साथ यूनियन किया हुआ है, बाई द फार्मर्स फॉर द फार्मर, इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं करता सर्टिफिकेशन, किसानों का एक ग्रुप मिनिमम 5 फार्मर दे विजिट टुगेदर, उनके आपस में खेतों का निरीक्षण करते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं और उनका पूरा लेबलिंग होता है, उसमें आप ट्रेसेबिलिटी भी है उसका एक पूरा वो है। तो मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था 2015 में, इसमें मैं मिनिस्ट्री में था, राधा मोहन सिंह था। आपके कौन से मंत्री की बात कर रही थे आप? वो महाराज तो ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से मिनिस्टर हैं? स्टेट स्टेट क्योंकि हमने नाम नहीं सुना था इसलिए ओके बन्ना जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और उनको लेके हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सर को पता है कि मिनिस्ट्री की वर्किंग क्या है। अगर आई एम थैंकफुल टू यू, और बल्कि मैं मैडम को भी कहूंगा कि एक अच्छा सा एक सर का जैसे वो था एक अच्छा सा उनको एक रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और महाराष्ट्र की जो मदद करेंगे आपके, हाँ सर भी उसमें ड्राफ्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे, और ये हमारे ग्रुप के लिए खासतौर पर नागपुर महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएशन होगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग एंड ओके अभी आपका एक छोटा सा सर का सर लोगों का एक छोटा सा मेरा जो राज का जो था वो करेंगे, इसके बाद में आपको छोटा सा रिफ्रेशमेंट भी वीआईए ने रखा है और उसको लेके सब लोग जाएंगे। खासतौर पर डॉक्टर रुचि वो हमारा बॉटल है ना बैग में, वो बॉटल की इतनी डिमांड है कि आप मैं बताऊं सर को मेरे पास कम से कम नहीं तो 2,000-3,000 बॉटल की डिमांड पड़ी हुई, और गुजरात से महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से गोवा से इतने फार्मर के फोन आते हैं, इंडस्ट्री के लोगों के फोन आते हैं, उसका बहुत ही उसके लिए ऐसा है ना वो पूरा एक स्टेक लगता है। पीजीएस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कभी एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए तो पीजीएस सर्टिफिकेशन क्या है उसका पूरा एक लेक्चर हो जाएगा, कभी भी आप आइए, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। आपके जो फार्मर्स होते हैं आपस में जो है ना, अभी यहाँ महाराष्ट्र में आपके एरिया में आपकी लैंड है, मुझे लैंड है आपकी कोई वर्धा में, वेरी गुड, तो वर्धा में जो आत्मा का कोई ऑफिस होगा स्टेट गवर्नमेंट में आत्मा का, उनको सर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किया हुआ, तो आप वर्धा में जाके आत्मा के जो होंगे डिप्टी डायरेक्टर, हाँ ओके, तो उनके पास जाके आप बात कर लीजिए, आपकी लैंड को वो उस क्लस्टर में ले लेंगे,
तो व्यवस्था में लेने का फायदा ये है, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज कर दिया। इससे दो एक स्कीम है जो हमारी, जो एक स्कीम इंडिया में मात्र दो स्कीम चल रही है, सबको पता है देयर आर ओनली टू स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ आर्मी फॉर्मिंग, दैट इज वन इज पीकेबीवाई, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना जो 300 करोड़ की है, बहुत ही छोटी स्कीम है पर पूरी कंट्री के लिए। और दूसरी स्कीम दूसरी है जिसका नाम है MOVCD। उस स्कीम का मैं सर उस समय जब मैं डीसी था वो स्कीम हमने फ्रेम की थी विद द जॉइंट सेक्रेटरी रानी कुमुदनी एंड टीम वंदना दुबे जी, मैम भी उसमें शामिल थी, मैं भी था। तो दैट वाज स्पेशली आई वाज लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ द MOVCD स्कीम, दैट इज स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर, सिक्किम इज ए ब्रदर। और जो हमारा रीजनल सेंटर है वो जनरल काउंसिल में आता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब हमारी है। और हमारे जो बैठे हुए हैं आरसी बैठे हुए हैं डॉक्टर पटोले, डॉक्टर साहब आप और थोड़ा बता देना कि कैसे इसका पूरा सिस्टम है। तो जब आप उस एरिया के उनसे कॉन्टेक्ट करोगी तो वो रीजनल काउंसिल बनाती है उनको, ये सारे रीजन काउंसिल मेरे पीरियड में सर हमने आत्मा को दिया था ताकि इसमें एक्सपांशन हो सके। तो आपकी लैंड अगर उस एरिया में जो क्लस्टर्स हैं उसमें अगर आ जाती है तो इट विल बी सर्टिफाइड बाय PGS ग्रुप, और उसका इतना इम्पैक्ट है आपको सरप्राइज कर जाओगे कि आपको उसमें काफी बेनिफिट हो जाएगा। उसमें लोगो आप लगा सकते हैं, दो तरह के लोगो हैं उसमें, एक रेड है और एक ग्रीन। पहले साल जो होगा वो रेड होगा, उसका भी वैल्यू है, और बाद में जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। और सर अभी एक और अच्छी बात हुई है सर, मिनिस्ट्री ने अभी जस्ट रिसेंटली एक इसको वो करने के लिए एक मीटिंग की है कि जब NPOP थर्ड पार्टी भी फॉलो कर रही और PGS इंडिया भी फॉलो कर रही NPOP, तो क्यों ना इनको भी एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए। एक को हम दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे हैं, बोथ ऑफ वर्किंग इन द सेम ट्रैक। सिंक्रोनाइजेशन के लिए अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें FSSI उन्होंने भी अपना एक भारत लोगो बना लिया अभी नया, एक ही लोगो होगा। इसमें काम हो रहा है और बहुत जल्दी ही ये सब एक जैसे हो जाएंगे। तो अगर आपका PGS हो गया तो यू कैन एक्सपोर्ट आल्सो। ओके थैंक यू। ये बॉटल की कीमत आप बता सकते कितनी होगी? जिन्होंने वीडियो देखा उनको छोड़ दी। तो हम नहीं बना सकते क्या सर? आप भी बना सकते, बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन इसको बनाने के लिए छोटी सी एक टेक्नोलॉजी है, आपका एक छोटा सा एक कॉटेज इंडस्ट्री जैसे शुरू करोगी। अभी डॉक्टर केरो भी बनाने वाले हैं इसको, आप उनसे संपर्क करना है, घर में भी बना सकते हैं आप, लेकिन इसको बनाने के लिए छोटी सी एक इंडस्ट्री जैसे एक छोटा सा रहेगा। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सर क्या बताएं? तो आप तो मेरे ख्याल में दे शुड विजिट योर, आप एक बार आइए हमारे ऑफिस में आइए एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और इसकी कीमत आपको बता दूं, ये बॉटल की कीमत तो 50 रुपए है, और इसको जो बनाते हैं इसका मीडिया वो सब लेके जो माइक्रोवाजन को देखे कोई इन्वर्सिटी अगर देती है तो 4-5 लाख में देती है माइक्रोब को फ्रेंड्स को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मात्र 20 रुपीज में दे रही इन लॉ। बल्कि इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हमारे प्रोडक्शन होटल हम लोगों को बोलते हैं कि ये तो आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, ये बात सही है, क्योंकि अब वो तो बेच नहीं सकते ना इतने कम में, क्योंकि इसमें सब है। अच्छा दूसरी बात जो सर ने रेस की है क्वालिटी, एक्चुअली क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और सर मैंने कोशिश भी की थी आपकी जो NABL लेबोरेटरीज के लिए हम चाह रहे थे हमारा FDA क्लियर हो, NABL एक्रेडिटेशन वो जरूरी है। क्वालिटी अगर नहीं होगी मैडम, अगर सही सीट नहीं होगा और सही माइक्रोब नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्वालिटी इज मस्ट। तो आपको ये मैं छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसको यूज कीजिए इस तरह से। और भी बहुत सारे ट्रैकोडर्मा ब्रीडी तो बहुत लॉन्ग समय से चली लिस्ट है, लेकिन इसलिए मैं जस्ट ओके सर जी एंटीगोनिस्टिक बैक्टीरिया जो भी होते हैं माइक्रोब्स वो उसको उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए बनाना उसके लिए वही थोड़ा असेंबली कंडीशन लाना है, स्टराइलाइजेशन करना है, वो सब छोटा एक मिनी पार्टी के लिए रोटी बनाना था। जो पूर्खा पानी आपने बताया ये 15 दिन के बाद फिर इसको कैसे 15-20 दिन के बाद में आप इसको जब वो रेडी हो जाता है तो आप इसको डाइल्यूट कर दीजिए, हो गया 200 लीटर रिकमेंडेड फॉर 1 एकर, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, आप उसका एक बार बन गया, बहुत ही अच्छी बात पूछिए, बन गया तो दोबारा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है इसको, तो उसको
हाँ उसी का एक दो लीटर बचाएंगे ये, फिर से हम मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से 200 लीटर पानी डालिए, फिर 2 केजी जेगरी डाल दीजिए, एंड इन सच ए वे आपको पानी को झाड़ों में डालना है, किसी भी क्रॉप में आप ड्रिप से दे दीजिए, और हॉर्टिकल्चर के कोई वो है तो आपसे थोड़ा सा स्प्रिंकलर से दे सकते हो आप, झाड़े से दे सकते हो आप, जैसे भी आपकी वो जाएगा तो ये डिकम्पोज करेगा। क्वांटिटी बहुत कम है मैडम, 200 लीटर में 2 केजी जगह ज्यादा नहीं होता मैडम, ये बहुत बड़ा है, अभी एक हफ्ते के टाइम में एक दिन आपको अलग से एक अलग प्रोग्राम उसके लिए होना चाहिए, प्रोग्राम वीडियो आप गूगल में जाइए और एनसीआर बेस्ट डिकम्पोजर डालिए, हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सर ये जो आपने अपने अस्त्र ये ब्रह्मास्त्र वगैरह का जो फॉर्मूला दिया था वो हमको मिलेगा जरूर, कितना हमने इसमें कॉपी कर दिया, हम दे देंगे आप यहाँ से ले लीजिए, VIS से ले लीजिए, हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन को कभी किसी को भी दे देते हैं, यूज करिए क्योंकि कम से कम 1% लोगों तो काम आएगा। जो मेरे को एक प्रश्न पूछना था, जिस जमीन में टर्माइट का प्रादुर्भाव ज्यादा है उसके लिए फिर इसका क्या? उसके लिए भी है, उसके लिए भी हमारे पास है, उसके लिए भी माइक्रोबियल है, खाद डालते हैं तो उसके केमिकल वाला ही डालते हैं, बहुत अच्छी बात की है। आप ऐसा ही बताओ इनको टर्माइट कौन सा है, टर्माइट को कंट्रोल करने वाला वो भी आपको बताऊं मैं, मैंने अपने खेत में, मैं भी कहता हूं सर, तो मैंने अपने खेत में ऑर्गेनिक शुगर केन लगाया, शुगर केन विदाउट केमिकल, सबसे पहले उसमें टर्माइट ने अटैक किया, सबसे पहले वही करता है तो उसको मैंने काउ यूरिन भी कंट्रोल किया, और जो आपका छाछ होता है ना बटर मिल्क उससे भी कंट्रोल होता है, और एक वो है जो हमारा बायोलॉजिकल छाछ जी, उसके अंदर जैसे आपने छाछ और यूरिन तीनों को मिला के अच्छी तरह से आप पानी जैसे थो करता है उसी के साथ साथ डाल दिए वो उसमें उससे कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो तो इसमें सबसे बड़ा जरूरी ये होता है कि भाई आपकी ये केमिकल्स का ये जैसे में टर्माइट की बात है, टर्माइट एक रानी होती है, रानी का काम उसके वर्कर्स होते हैं, लैक्स में उसकी पॉपुलेशन होती है, उसकी सेना होती है, इसकी अगर हम हिस्ट्री बताएं आपको तो ये टर्माइट का बड़ी डूंगी जगह होती है, ये आसानी से नहीं मरती जब तक इसको आप पूरी तरह वो ना करें, ट्रेन से जैसे ये बताए हैं ना वो नहीं जाएंगे तो नहीं मरती, तो इसलिए जरूरी है वो उसको एक बार जहाँ हो जाती है जब तक क्वीन नहीं मरेगी तब तक वो सारा काम नहीं बचेगा। ठीक है, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं इनको बता दूँ कि ब्यूवेरिया पेशियाना भी है हमारा, और दूसरी बात ये है कि टर्माइट इज यूजफुल, आप सरप्राइज कर रहे होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो टर्माइट की जो मिट्टी होती है ना उसका बड़ा उपयोग है, टर्माइट आपको मैं बताऊँ कब अटैक करती है, कभी आप स्टडी करो टर्माइट की, कभी भी किसी क्रॉप को नहीं अटैक करेगी, अगर आपने ऑर्गेनिक इनपुट दिया है, टर्माइट का भोजन क्या है ऑर्गेनिक इनपुट्स, उनके पास अगर ऑर्गेनिक इनपुट्स अवेलेबल आपने सॉइल में दिए हैं तो वो उसको खाएगी, आपकी क्रॉप को नहीं खाएगी, और आपने उसको केमिकल दे रही हो, आपके पास ऑर्गेनिक इनपुट है नहीं तो फिर वो आपकी क्रॉप को अटैक करेगी, तो मोर पेस्ट मोर पेस्टिसाइड। हेलो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका ये सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करता है क्या ट्रेनिंग पर्पस के लिए? तो भी बहुत सारे करता है, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? न्यूज पेपर में आती है, आप न्यूज पेपर में भी आती है, और यहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया कवरेज कम होता है क्योंकि हमारा सेंटर बहुत दूर है, 22 किलोमीटर अवे, इसलिए मैंने VIA में यहाँ रखा कि कुछ मीडिया के लोगों को मैडम लोग बुलाएंगे तो ये थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। सर
मीडिया को बुलाना था ऐसा प्रोग्राम को सारे देश नहीं कर रहा तो अच्छा वैसा है मीडिया को आना चाहिए था नहीं तो मीडिया को ही सब जाएगा ये क्या तो थैंक यू सर यू कैन कंटिन्यू मैं आपका ध्यान चाहूंगी क्योंकि आपका अंदाज आपने शुरुआत जिस अंदाज में की थी तो मैं चाहूंगी ना आपको थैंक यू के अंदाज में दूं। सर ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और सबसे पहले थैंक्स तो सबकी नींद भगाने के लिए मैं सबको दूंगी थैंक्स। और मैं कहना चाहूंगी सर की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आसानी से समझाने का है आपका खूबसूरत अंदाज। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आसानी से समझाने